हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। ये एक एजुकेशन चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज आपके लिए मैथ्स क्लास 12th चैप्टर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें मैंने आपको इनवर्स जो है डिटर्मिनेंट में जो आपने इनवर्स पढ़ रखा है, अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन ये है। अब इसमें इस क्वेश्चन को, अब इस जो यहाँ पे जो दिया है वैल्यू हमें, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सॉरी इनवर्स निकालना हमें, ठीक है। क्या निकालना है हमें? इनवर्स निकालना है। तो देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं। पहले हमने a माना, a ये जो वैल्यू पूरी है वो a के बराबर है, a के इक्वल है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अब ये देखिए, मॉड a लिखा, मॉड a का मतलब ये a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर हमने 1 लिया, 1 है तो यहाँ पे 1 tan माइनस 0, tan माइनस 0 कैसे, ये 1 है यहाँ पे तो ये वाली नहीं आएगी, ठीक है, ये वाली नहीं आएगी, और साथ में यहाँ 1 की वजह से ये भी नहीं आएगा, 2, 3 वाले भी नहीं आएंगे। तो बचा क्या, 2, 4 और 0, 5 बचा। तो मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, 5, 2 जा 10 और ये 0 हो गया, 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 10 बचा, तो इसलिए यहाँ पे 10 आया, ठीक है। अगर इससे पहले आपने आपको नहीं आता, मतलब स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, 2 वीडियो बन चुकी है, आप वहाँ से देखें तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर हमने ये प्लस लिया, फिर हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ये मैंने फर्स्ट पार्ट पे बना रखा है वीडियो, उस पर बताया। तो ये माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 लिया, माइनस 2 के फिर क्या करेंगे, ये नहीं आएगा, ये वाली नहीं आएगी और साथ में ये भी नहीं आएगा, तो बच्चा क्या, 0, 5 और 4, 0। अब मल्टीप्लाई होगा 0 और 5 तो 0 होगा, 0 और 4 से होगा तो तब भी 0 होगा, 0 माइनस 0 तो ये माइनस 2 रह गया। अब 3 का देखेंगे तो 3 में भी 1, 2, 3 वाला नहीं आएगा और 4, 5 भी नहीं आएंगे, तो बच्चा क्या, ये 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से तब भी 0, तब हमारा आंसर बचा क्या, ये दोनों तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर बचा 10, तो आ गया 10, ठीक है। अब ये था हमारा डिटर्मिनेंट ए का, ठीक है। अब हम ए, अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। ए 11, हमने ए 11 लिया, कैपिटल ए है, ए 11 इक्वल, अब यहाँ पे 1 तो ये है, 11 की पोजीशन ये 1 है, तब इसकी डिटर्मिनेंट कितना होगा अगर निकालेंगे तो, ये नहीं आएगा और ना ये आएगा, तो 5 टू जै 10 हो जाएगा, 0 और 4 0 हो जाएंगे, तो 10 लिखा। फिर ए 12 में 2 है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा और साथ में 1, 2, 3 भी नहीं आएगा, तो ये 0 अभी हमने किया था तो 0 आ गया। और ए 13 का यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी 0 है। फिर ए 21 का निकालेंगे, तो ए 21 का कैसे निकलेगा, तो ये 21 क्या है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 है, अब यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे इसकी पोजीशन की वजह से ये 100 वाली कॉलम नहीं आएंगे, मतलब ये कॉलम नहीं आएंगे और साथ में ये रो, सेकंड रो भी नहीं आएगा, 2, 4 वाली रो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। तो बचा क्या, 2, 3 और 0, 5, तो 5, 2 जो 10, 0, 3 को 0, तो 10 आ गया आंसर इसका, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस, पता चला। फिर जब हम 2 का निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस था, तब यहाँ पे प्लस आएगा, अब इसका निकालेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ना ये आएगा, तो बचा क्या, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 0 को 3 से तो 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 5 बचा, तो 5 लिखा। और 2, 3 का 4 बचा, यहाँ पे 2, 3 का पोजीशन क्या है, 4 है, तो 4 का कैसे निकालेंगे, ये नहीं आएगा ना ये आएंगे, तो बचा क्या, 0 को 1 से 0 आ गया, 0 को 2 से 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसके बाद हमने लिखा इसे, हम यहाँ पे
एडजॉइंट ए निकाले इसका, ठीक है। पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना है, फिर हमें इसे फिल करना है। आप करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कॉलम वन है इसमें ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री आता है, ठीक है। तो टेन, वन टू क्या है जीरो, वन थ्री क्या है जीरो, तो ये जीरो जीरो लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे टू वन आएगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस टेन, फाइव जीरो, तो ये हमने लिखा। फिर यहाँ पे ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री आता है, तो बिल्कुल हमें सेम ऐसे इसकी वैल्यू लिखा यहाँ पे। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब ये देखिए, ए इन्वर्स लिखने का मेथड ये है, ए इन्वर्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले के तौर पे आप याद कर लीजिए। इसके बाद हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था, टेन, तो यहाँ पे वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, तो वन अपॉन टेन निकाला हमें, वन अपॉन टेन ला दिया, ये है ना, ये ठीक है, वन अपॉन टेन आ गया। फिर हमने जो अभी लिखा था, अभी निकाला था हमने, ये है, ठीक है। हमने इससे क्या हुआ, अब हम ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल लिए। ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, पर है कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें दे रखा है, ए की वैल्यू हमें दे रखा है, और हमें इसका ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारा ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए स्टेटमेंट जो दिया है आपको यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, पहले तो हमें ए स्क्वायर को मैनेज करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये। तो आपने मैट्रिक्स अगर कर रखा है, अगर नहीं किया तो इससे पर हमारे चैनल पर ये वीडियो बन चुकी है इन पे मैट्रिक्स पे, तो मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, या फिर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, या फिर आपकी मर्जी, आप कहीं से भी सीखो मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको आता है तो सही बात है, तो ये है, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई किया, करने के बाद हमारे पास ये आया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमें फॉर्मेट पे, इसी फॉर्मेट पे लिखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है माइनस फाइव, माइनस फाइव यहीं पे, और ए की वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में, ये लिखा प्लस सेवन आई, आई के मतलब आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वन जीरो जीरो वन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम रहेगा, माइनस फाइव को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टीन आया, फाइव आया, माइनस फाइव टेन, ठीक है। यहाँ पे सेवन से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद करने के बाद हमारा जो आया जीरो जीरो आया, ठीक है, जीरो जीरो आया। तो चलिए ये तो आ गया जीरो जीरो, हमें जीरो जीरो ही लाना था, जीरो जीरो आ गया। फिर इसके बाद हम ऐसा करेंगे, तो ये इसके बाद हम ऐसा करना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया था, फिर ए स्क्वायर को मैंने ए डॉट मतलब ए इंटू ए से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये आया हमारे पास। फिर मैंने क्या किया, ए इनवर्स को सभी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी ए इनवर्स से किया मल्टीप्लाई, इसे भी इनवर्स ए इनवर्स से किया मल्टीप्लाई, और सेवन आई को उधर लेके ले गया, माइनस में आ गया, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या हुआ, ए और ए इन्वर्स जब साथ में होते हैं मल्टीप्लाई में, तब आई बन जाता है, तो ए आई माइनस यहाँ भी आई, ठीक है, माइनस फाइव आई इक्वल सेवन, और यहाँ पे आई और ए इन्वर्स में ए इन्वर्स बन जाता है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसे ए इन्वर्स की वैल्यू हमने ऐसा लिखा, ठीक है, सेवन इधर आके डिवाइड में आ गया। फिर इस माइनस को साइन हटाने के लिए हमने वन अपॉन सेवन, फिर इसे इसकी पोजिशन चेंज हो गई, ठीक है, फिर बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये थी, अब चलते हैं इसके आगे, ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो ये देखिए वन अपॉन सेवन, अब फाइव है और आई है, आई मीन्स आइडेंटिटी वन जीरो जीरो वन, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस ए है वहाँ पे, तो क्वेश्चन में दिया इसकी वैल्यू, अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। यही सेम हमारा जो आंसर है वो ये है, ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।